प्रकार का मार्गदर्शन देना जैसा है तो वैसा ही मार्गदर्शन करेगा। उत्तर प्रदेश का हाथरस एक बार फिर चर्चा में है। हाथरस में सत्संग आयोजन के दौरान मची भगदड़ में अब तक 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 108 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। इस सत्संग का आयोजन नारायण साकार हरि उर्फ साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा ने कराया था। हादसा सिकंदराराव थाना क्षेत्र के फुलरई गाँव में हुआ। बताया जा रहा है कि नारायण साकार हरि का सत्संग सुनने के लिए करीब 2.5 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी थी। आइए इन बाबा के बारे में जानते हैं, जिनका सत्संग स्थल शमशान घाट में तब्दील हो गया। साथ ही ये भी जानेंगे कि यौन शोषण के आरोपी बाबा नारायण साकार हरि लोगों के बीच इतने पॉपुलर क्यों हैं? नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह जाटव है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। वो मूल रूप से कासगंज जिले के बहादुर नगर के रहने वाले हैं। बचपन से ही वो अपने पिता के साथ खेती करते थे, लेकिन इसके बाद वो पुलिस विभाग में भर्ती हो गए। बाबा खुद को गुप्तचर यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूर्व कर्मचारी बताते हैं। करीब 18 सालों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने VRS ले लिया। शुरुआत से ही सूरजपाल का झुकाव अध्यात्म की तरफ था। 1990 के दशक में पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने पत्नी के संग सत्संग करना शुरू कर दिया। सूरजपाल के 3 भाइयों में से एक की आकस्मिक मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने बहादुर नगर में अपने भाई के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू किया। इनका आश्रम भी बहादुर नगर में ही है। वे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाम से सत्संग का आयोजन करते रहे हैं और खुद को हरि का शिष्य बताते हैं। इस वजह से उन्होंने अपना नाम सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि कर दिया। वो अपने प्रवचन में अक्सर कहते रहे हैं कि साकार हरि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। खास बात यह है कि इंटरनेट के जमाने में बाकी साधु संतों और कथावाचकों से अलग ये बाबा सोशल मीडिया से दूर हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर बाबा का कोई आधिकारिक अकाउंट नहीं है। कथित भक्तों का दावा है कि नारायण साकार हरि यानी भोले बाबा के जमीनी स्तर पर खासे अनुयायी हैं। भोले बाबा अपने सत्संग के अलावा अपने अजब गजब अंदाज के चलते भी सुर्खियों में रहते हैं। बाबा अन्य साधु संतों की तरह गेरुए वस्त्र धारण नहीं करते और न ही किसी भगवान की तस्वीर अपने कार्यक्रमों में लगाते हैं। साकार हरि अपने प्रवचनों में सफेद 3-पीस सूट बूट और महंगे चश्मे में दिखते हैं। नारायण हरि को सत्संग के समय अक्सर सफेद सूट और नीली टाई पहने देखा जाता है। वो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, इसी वजह से वो प्रतीक के तौर पर इन विशेष रंगों को पहने दिखाई देते हैं। साकार हरि उर्फ भोले बाबा की पत्नी भी उनके साथ सत्संग के मंच पर बैठती हैं। उनकी पत्नी को माताश्री कहा जाता है। नारायण हरि की कोई संतान नहीं है। अनुयायियों का दावा है कि बाबा कोई दान दक्षिणा या चढ़ावा नहीं लेते। अपने प्रवचनों में वो पाखंड का विरोध करते हैं और मानव सेवा को सबसे बड़ा मानने का संदेश देते हैं। बाबा के पास लग्जरी कारों का काफिला है और खुद की वर्दीधारी फौज भी है। इस लंबी चौड़ी फौज को आश्रम के सेवादार कहा जाता है। पश्चिमी यूपी के जिलों में बाबा के कई एकड़ जमीन पर आश्रम है, जहां लगातार सत्संग के कार्यक्रम चलते रहते हैं। बाबा का कार्यक्रम हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है। बाबा के अनुयायियों में सबसे बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति और OBC वर्ग का है। वंचित वर्ग बाबा को भोले बाबा के रूप में देखता है। बाबा कितने भोले हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि उन पर यौन शोषण समेत 6 केस दर्ज हैं। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहते हुए सूरजपाल पर यौन शोषण का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
ये दावा यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने आज तक से बात करते हुए किया है। 2022 में कोरोना के दौरान सत्संगी बाबा ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सत्संग का आयोजन किया था। तब सिर्फ 50 लोगों को सत्संग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन उस समय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 लोग सत्संग में शामिल हुए थे। उस दौरान पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके इतिश्री कर ली थी। हाथरस की भगदड़ के बाद भी पुलिस ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति के आयोजकों को आरोपी बनाया है। FIR में बाबा का नाम ही नहीं है। 121 मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस में धार्मिक समागम के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इस आयोजन में करीब 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, जबकि केवल 80,000 लोगों को ही अनुमति दी गई थी। सत्संग संचालक जगत गुरु साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा का नाम FIR में नहीं है। हाँ, शिकायत में उनका नाम जरूर है। FIR में आरोप लगाया गया है कि आयोजकों ने अनुमति मांगते समय सत्संग में आने वाले भक्तों की वास्तविक संख्या छिपाई, यातायात प्रबंधन में सहयोग नहीं किया और भगदड़ के बाद सबूत भी छिपाए। बाबा फिलहाल फरार हैं। अब आपको बताते हैं कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे था। दरअसल हाथरस में 2 जुलाई मंगलवार को नारायण हरि का सत्संग हुआ था। सत्संग खत्म होते ही जैसे ही बाबा की गाड़ी भीड़ के बीच से निकली, लोग बाबा की चरण रज उठाने उनकी तरफ दौड़े और भगदड़ मच गई। लोग एक के ऊपर एक गिरने लगे। FIR के मुताबिक आयोजन समिति और सेवादारों ने अपने हाथों में डंडे ले रखे थे और 3 मीटर गहरे खेतों की कीचड़ में भागती भीड़ को उन्होंने जबरदस्ती रोक दिया था, जिसके कारण भीड़ का दबाव बढ़ता गया और महिला, बच्चे और पुरुष दबते कुचलते चले गए। आज सैकड़ों लोगों के घर मातम पसरा हुआ है और कई लोग अस्पतालों में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।